ज अबाउट वन केनाल ट्रे स्ट्रक्चर विला विच इज़ रेडी इन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक ए और आज के इस वीडियो में बेसिकली इस जिला है इसका मैं पूरा इंटीरियर एक्सप्लेन करूँगा जस्ट फॉर द रिमाइंडर ये जो विलाज हैं ये नॉट फॉर सेल हैं ये अभी तक सेल में नहीं आए और ये मॉडल हैं जो गोल्फ़ कोर्स में थ्री थाउजेंड विलाज बनाए जाएंगे उनके मॉडल विलाज यहाँ बनाए जा रहे हैं स्ट्रीट नंबर वन पे इस वक्त जो विलाज बन रहे हैं उनमें कनाल का एक विला पंद्रह पंद्रह मरले के दो विलाज यानी पेयर बन रहा है और नाइन पॉइंट थ्री नाइन पॉइंट थ्री मरला का भी पेयर ब्लॉक ए स्ट्रीट वन पे बन रहा है और इसके ऑपोजिट साइड पे दो किनाल के विलाज हैं जो बन रहे हैं बेसिकली इस विला में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि इसका गेयर स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल जो इंटीरियर है एल है ले प्लान कि ओवरऑल विला में क्या चीज़ें हैं राइट right साइड पे एंटर होने के बाद सबसे पहले आपको पाउडर रूम मिलता है और लेफ्ट साइड पे इसके ड्राइंग और डाइनिंग मिलता है और इसके साथ सीधा जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे इस विला में ये है कि इसकी जो एंट्रेंस के बाद जो लॉबी है ये डबल हाइटेड है यानी डबल हाइटेड से मुराद कि इसकी फ़र्स्ट फ्लोर की छत नहीं है डायरेक्ट सेकेंड फ्लोर की छत है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट प्लस काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आपको आ, काफ़ी लाइवली इन्वायरमेंट मिलता है क्योंकि डबल हाइडेड जब एंट्रेंस होते हैं साथ ही लॉबी के साथ ही आपको डबल हाइड्रेड इन्वायरमेंट मिलता है तो ऑटोमेटिकली घर का काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होता है उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं तो राइट साइड पे किचन है मैं आपको डिटेल से किचन भी दिखा दूंगा और किचन की बैक साइड पर एक डर्टी किचन है और एक स्टोर है बेसिकली इस विला को ऐसे तैयार किया गया है कि नीचे सिर्फ टू बेडरूम्स रखे गए हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर थ्री बेडरूम्स प्लस एक सर्वेंट क्वार्टर प्लस एक दो एक प्राइवेट टेरेस और एक पब्लिक टेरेस terrace. दो टेरेसिज हैं और वैसे आमतौर तो पर विलास में सिक्स बेडरूम बन सकते हैं सेवन भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप किस तरह का रूम किस साइज़ का रूम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ये इस वक्त जो है किचन आप देख रहे हैं किचन की जो वर्थ बनती है वो बनती है सिक्सटी इंटू ट्वेल्व और इसके राइट साइड पे डर्टी किचन है और किचन की वेंटिलेशन राइट साइड पे यानी विंडो के राइट साइड पे वेंटिलेशन है अभी तक जो मॉडल विलाज बने हुए यहाँ पे ये डिफरेंट हैं जब गोल्फ कोर्स के अंदर विलाज बनेंगे तो उनका लेआउट प्लान डिफरेंट होगा लेआउट प्लान इंटीरियर बिल्कुल सेम होगा एक्सटीरियर डिफरेंट होगा एक्सटीरियर डिफरेंट इन अ सेंस कि जैसे आम ब्लॉक्स में किसी ब्लॉक में प्लॉट होते हैं वो एक लाइन में पंद्रह बीस प्लॉट फ्रंट पे और 15-20 प्लॉट बैक पे तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रीट पे 40 के आसपास बन जाते हैं जाहिर सी बात है गोल्फ कोर्स में ओवरऑल सिर्फ 3000 थाउजेंड विलाज बनने हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ओपनली रखा जाएगा तो इसलिए उनकी प्राइस जो होंगी वो आम वन कनाल के विलाज जिनकी प्राइस बनती है टू करोड एटी फाइव लैख और टू करोड़ एटी वन लैख रुपीज़ फॉर फाइव बेडरूम एंड सिक्स बेडरूम रिस्पेक्टिवली तो उनकी प्राइजेज डेफिनेटली इनसे ज़्यादा होंगी आप गोल्फ़ कोर्स के अंदर कोई भी विलाज होते हैं उनकी प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ उनकी ओपन स्पेशियसनेस की तरफ से होती है और किसी वजह से नहीं होती अच्छा एंट्रेंस होने के बाद राइट साइड पे किचन के साथ मैं अपने डर्टी डा, डा, किचन प्लस जो वेंटिलेशन बैक साइड पे प्लस स्टोर देख लिया इसी किचन के साथ यहाँ पे एक लाउंज है लाउंज की बैक साइड पे भी वेंटिलेशन है और राइट साइड पर वेंटिलेशन है और इसके साथ यहाँ पे सिट एंड डाइनिंग का ऑप्शन भी मौजूद है किचन के बिल्कुल साथ जहाँ पर शेल्फ्स बनी हुई हैं और इसके साथ ये मैंने आपको जो एंट्रेंस से लेके अब तक जितना विला का टोर करवाया है ये बेसिकली सिंपल राइट साइड का टोर था अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें यानी कि फिफ्टी बाय 90 का प्लॉट है तो फिफ्टी के 90 पे प्लॉट में फाइव फीट फाइव फीट दोनों साइड पे वेंटिलेशन है और टेन फीट बैक पे और एट पॉइंट फाइव फ्रंट पे वेंटिलेशन है इस वक्त लेफ्ट साइड पे एक मास्टर बेडरूम है जिसके साथ एंटर होने से पहले एक लॉबी है और लॉबी के साथ मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच बाथ प्लस कैबिनेट यहाँ पे आप आप कहने के वॉडरूप कह लें और इसकी बैक साइड पे भी वेंटिलेशन मौजूद है कनाल के प्लॉट या कनाल के विला में जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आपको गवर्नमेंट लेट से आपका प्लॉट इस्लाबाद में है तो आपको सीडीए के बायलॉज फॉलो करने पड़ते हैं और आपका प्लॉट रावलपिंडी में तो आपको आर के बायलॉज फॉलो करने पड़ते हैं तो सी के बायलॉज के मुताबिक और आर के बायलॉज के मुताबिक आपको जो कंस्ट्रक्टेड एरिया अलाउड है कनाल के प्लाट में आपका प्लॉट है फिफ्टी बाय नाइन्टी स्क्वेयर फीट में बात करें तो फोर्टी फाइव स्क्वेयर फीट और यार्ड्स में बात करें तो फाइव हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड इस प्लॉट में आप जो टोटल कवर एरिया रख सकते हैं दैट इज़ 70 परसेंट ऑफ द टोटल प्रीमिस ऑफ प्लॉट और 30 परसेंट आपने वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ना है 30 परसेंट जो ओपन छोड़ते हैं उसमें जैसे इस विला में डिज़ाइन किया गया वो ये किया गया है कि 10 फीट बैक पे 8.5 फ़ीट फ्रंट और राइट साइड पर फाइव फ़ीट और लेफ्ट साइड पर फाइव फीट इससे होता है कि पूरे किनारे घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है अभी अब तक जितने आपने बेडरूम प्लस ओपन लाउन जितने अपने टी वी लाउन देखे होंगे सब कुछ इसमें हर एक रूम में ऑलमोस्ट दो दो विंडोज़ हैं तो एक अच्छी वेंटिलेशन इसलिए कि राइट साइड पे भी जाहिर सी बात है फाइव फीट ओपन स्पेस है तो आपकी दीवार से पहले की ओपन स्पेस है तो आपको वेंटिलेशन जब जाहिर सी बात वहाँ से मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी एलिवेशन घर की बनने के साथ साथ एक अच्छी वेंटिलेटेड घर बनता है जो लिविंग के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है वो वेंटिलेशन है घर की छोटे घरों में होता है कि प्लेइंग फील्ड बहुत कम होता है जैसे प्लॉट है पाँच मरले का तो उसकी रेशियो एटी ट्वेंटी पाँच मरल के प्लॉट में आपने चार मरले पर घर बनाना है और एक मरला आपने खाली छोड़ना है तो उसमें ऑप्शन सिर्फ होता है कि पाँच फीट बैक से छोड़ दिया और तकरीबन पाँच फीट शुरू से छोड़ दिया राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता और बाकी जो सात मरला दस मरला इनमें जो ऑप्शन होता है आपके पास सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का होता है ट्वेंटी फाइव से हम रात के दस मरला के घर में लेफ्ट साइड से आप टू पॉइंट फाइव फीट या थ्री फीट एम टी छोड़ सकते हैं क्योंकि थर्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव का प्लाट होता है और बैक साइड से आप टेन फीट या एट फीट खाली छोड़ सकते हैं बाकी आपने सारा कवर करना था तो एक रूम एक साइड जो होती है घर की वो वेंटिलेटेड नहीं बन सकती ड्यू टू एनी रीजन ये मैंने को एक्सप्लेन कर दिया है कि बायलॉज में क्योंकि प्लाट का साइज छोटा है उसमें अपने कवर्ड एरिया जो अलाउड होता है उस लिहाज से उसमें नहीं बन सकती इस वक्त आप देखें तो जो लास्ट बेडरूम के साथ जो ड्राइंग रूम और साथ जो डाइनिंग रूम है जिसकी बैक साइड पर भी वेंटिलेशन है और राइट साइड भी वेंटिलेशन है अब ड्रॉइंग रूम की दो साइड से वेंटिलेशन है प्लस का टू डोर्स हैं आप ऑटोमेटिकली अंदाजा कर ले सकते हैं कि बेसिकली ओपन स्पेस बनती है काफ़ी ज़्यादा और डाइनिंग के साथ भी लेफ्ट साइड पर वेंटिलेशन की स्पेस मौजूद है अभी हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं जी ओवरऑल जो बेडरूम का डिज़ाइन है और जो ओवरऑल जहाँ जहाँ पे उनके ओपन टेरेस हैं प्लस जितनी वेंटिलेशन है वो एक्सप्लेन करता हूँ स्टेयर्स के साथ जो नीचे मैंने शुरू में वीडियो को एक्सप्लेन किया था कि ये डबल हाइडेड लॉबी है यानी डबल हाइटेड सम्राज के घर में एंटर होने के बाद एक सिंपल छत होती है दस फीट पे तो ये छत ट्वेंटी फीट पे है तो आप अच्छा शैंडलियर यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ से आपके पास ऑप्शन होगा आप चाहें तो डेकोरेटेड यानी फुली फर्निश हाउस का डिज़ाइन ले लें आपके पास ऑप्शन होगा आप चाहें तो उसमें uh, अपनी मर्जी से कर लें और जो सोसाइटी की तरफ से ऑप्शन है वो दो ऑप्शन हैं स्टैंडर्ड एंड एक्जिव स्टैंडर्ड में नॉर्मल फिनिशिंग नॉर्मल सब कुछ फिनिशिंग से मुरादा है कि ग्रे स्ट्रक्चर की क्वालिटी या जो घर की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है दैट इज सेम और जो फिनिशिंग में अंदर घर जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं जैसे आप वुडन फ्लोरिंग कह लें सीलिंग कह लें या की चीज़ें वो ऑप्शनल होता है ऊपर आने के बाद जो स्टेयर के साथ राइट साइड में सबसे पहले रूम आता है उस रूम के साथ इस तरफ सर्वेंट क्वार्टर है जो डायरेक्टली स्टेयर से स्पायरल स्टेयर से भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से भी ऑप्शन मिलेगा तो सर्वेंट क्वार्टर बिल्कुल घर की प्राइवेसी से बिल्कुल सेपरेट है उसके साथ एक छोटा सा स्टोर है और स्टोर के साथ राइट साइड पर एक बेडरूम है जिसके साथ अटैच बाथ है और एक लेफ्ट साइड पर ऊपर बेसिकली थ्री बेडरूम्स हैं और एक ओपन गैलरिया ओपन स्पेस कह लें और ये ओपन वाले कमरे ऊपर वाले फ्लोर का सर ऊपर वाले फ्लोर का टीवी लाउंज है और जिसकी आप मैंने जैसे शुरू में वेंटिलेशन की बात की थी कि नाले घर में बेसिक बात है करने वाली वेंटिलेशन ही होती है और तो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रक्चर बड़ा वैसे ही अच्छा लगता है तो इसमें लाउंज की थ्री साइड से थ्री विंडोज़ हैं और इन स्लाइडिंग विंडोज़ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे वैसे आप कर्लिंग विंडो भी लगा सकते हैं तो ये आपके पास फिनिशिंग में अपना ऑप्शन होगा आप जैसे चाहें इसको अवेल कर लें सेम राइट साइड पर भी बेडरूम जैसे नीचे बेडरूम से ऊपर भी उन बेडरूम के ऊपर दो बेडरूम्स हैं और इस मास्टर बेडरूम के ये ऊपर वाले फ्लोर का मास्टर बेडरूम है और इसके साथ इसी का अटैच बाथ प्लस वाड आपको रूम के अंदर ही मिल जाता है और इस मास्टर बेड की अच्छी बात यह कि इसको बैक साइड से भी एक कह लेंगे कि प्राइवेट टेरेस मिलता है जिस तरह लाउंज के साथ एक प्राइवेट टेरेस है तो यहाँ से भी एक प्राइवेट टेरेस बनता है जो इस रूम के साथ यहाँ पे अटैच होता है तो आप ये प्राइवेट टेरेस की विथ होती है ऑलमोस्ट तकरीबन सिक्स से सिक्स पॉइंट फाइव फीट है तो काफ़ी एक अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है अपने रूम के साथ वेंटिलेशन के लिए वैसे भी रूम में काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ भी हैं प्लस अच्छी एक वो सेट आउट में मिल जाता है और अगर हम बैक साइड पर बात करें यानी घर के जो सॉरी फ्रंट साइड पर बात करें ये जो आप देख रहे थे ये वन कनाल विला की बैक साइड थी और अभी अगर फ्रंट साइड की बात करें लॉबी की ये सेकेंड बेडरूम है और इसके साथ अटैच बात और सारा कुछ वैसे ही है जैसे पहले नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है और अगर नीचे वाले सामने वाली साइड पर बात करें तो जो आ, नीचे ड्राॅइंग रूम था उसके ऊपर यहाँ पे एक गेस्ट बेडरूम दिया गया और गेस्ट बेडरूम को आप लाउंज भी बना सकते हैं ओपन टेरेस प्राइवेट टेरेस भी बना सकते हैं प्लस एक इसी प्राइवेट टेरेस के साथ यहाँ इस बेडरूम के साथ लेफ़्ट साइड पे एक पब्लिक टेरेस भी है तो ऊपर आपको तकरीबन थ्री टेरेस मिल जाते हैं टू मेन स्ट्रीम है और एक तकरीबन सिक्स पॉइंट फाइव फीट वाइड है उसकी इतनी में वैल्यू काउंट नहीं कर रहा लेकिन सिक्स पॉइंट फाइव फीट भी एक अच्छी स्पेस बनती है टेरस के लिहाज से वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि प्लॉट का टोटल साइज बनता है फिफ्टी बाई नाइनटी यानी फोटी फाइव हंड्रेड स्क्वेयर फीट और इसमें जो टोटल कवर्ड एरिया रखा गया वो 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 रखा गया फोटी नाइन हंड्रेड फिफ्टी स्क्योर फीट तकरीबन ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड स्क्योर फीट ग्राउंड प्लस वन के साथ अगर हम एस्टिमेशन लगाएं प्लॉट साइज के हिसाब से तो तकरीबन बन जाता है फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट इसमें मैं ओपन स्पेसिज काउंट नहीं कर रहा ओपन स्पेसिस हम रात के जैसे मैंने टेरिस आपको दिखाए हैं ये टेरेज काउंट नहीं उसमें काउंट नहीं होते प्लस नीचे जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और बैक साइड पे फाइव फीट राइट साइड पे फाइव फीट लेफ्ट साइड पे और बैक साइड भी जो टेन फीट है वो स्पेसिस में काउंट नहीं होती उनको चाहें तो आप लॉन के तौर पर यूज़ कर लें चाहें तो आप ऊपर जो टेरेसिस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर एरिया में शामिल कर सकते हैं आपके पास सेवेंटी परसेंट तक की गुंजाइश है आप प्लाट को कवर एरिया में यूज़ कर सकते हैं टोटल प्रिंसिपल साइज प्लाट के जितना प्लाट का साइज़ है उसका सेवंटी परसेंस यूज कर सकते हैं सो वो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट टीम बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे वाट्सप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जी मेरे को दीजिए जल्द अगली वीडियो के लिए خدا